मेरा नाम डॉक्टर विभूति सिन्हा है और मैं क्षेत्रीय चक्षु संस्थान इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर हूँ और आज मैं आपसे ग्लॉकोमा या काला मोतिया के संबंध में बात करने वाला हूँ। ग्लॉकोमा या काला मोतिया करीब करीब विश्व में तीसरे नंबर का अंधापन का कारण है और 12 मिलियन से ज़्यादा लोग इसके कारण अंधेपन के शिकार हैं। खास करके इंडिया में 40 मिलियन से ज़्यादा लोग जो कि 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं वो या तो इसके शिकार हैं या इसके शिकार होने के कागार पर हैं। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें कि आँखों की दृष्टि अपने आप चली जाती है और इसे स्नीक थीफ ऑफ विजन भी बोला जा सकता है। एंड इट इज़ टू लेट इफ़ यू डोंट रिकॉग्नाइज द डिजीज़ अर्ली, क्योंकि जो भी नुकसान होगा वो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ग्लॉकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके आँखों का या तो दबाव बढ़ जाता है या दबाव सामान्य भी रहने पर आपके आँखों के नसों को नुकसान पहुँच रहा होता है और जो कि बहुत ही साइलेंटली होता है। तो इस बीमारी में बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो डायग्नोसिस है वो शुरुआती दौर में ही हो जाए, क्योंकि जो नुकसान हो चुका होता है उसकी भरपाई नहीं होती है, जो बचा हुआ होता है उसे ही हम बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज मैं एक ऐसे पेशेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो हमारे पास चोट लगने के कारण आया था सिर्फ आँखों की जाँच करवाने के लिए, और जब हम लोगों ने उसका इवैल्यूएशन किया तो 90% से ज़्यादा उसकी नसें डैमेज हो चुकी थी इस बीमारी के कारण। और ऐसे मरीज सिर्फ एक वो अकेला नहीं है, हमारे पूरे कंट्री में ऐसे मिलियंस ऑफ मरीज हैं जिन्हें कि हम जानते भी नहीं हैं कि उन्हें ग्लॉकोमा है और उनकी आँखों की रोशनी को बहुत हद तक ग्लॉकोमा ने नुकसान पहुँचा दिया है। ऐसे मरीजों में बहुत ज़रूरी है कि उनको अर्ली डायग्नोसिस में ले जाया जाए। अगर लेट डायग्नोसिस भी होता है तो होप नहीं छोड़ना है, उम्मीद है और अच्छी इलाज की संभावना है। अगर इस तरह के मरीजों को पूर्ण रूप से हम इलाज में रखें, जैसे कि दवाओं के नियमित सेवन या फिर लेज़र प्रोसीजर्स, और या फिर अगर दवाइयां फेल भी हो रही हैं तो सर्जरी, इन सारे ऑप्शंस को मिला करके हम अपने पेशेंट को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं, ताकि उसके बचे हुए लाइफ में उसको रोशनी की कमी ना हो और उसका काम चलता रहे। ग्लॉकोमा ऐसी बीमारी है जिसमें आँखों के अंदर का नस जो होता है वो डैमेज होता है आँखों के अंदर दबाव बढ़ने के कारण या किसी और कारण से भी, लेकिन जो प्राइमरी जो डैमेज होता है वो आँखों के नसों को होता है, ऑप्टिक नर्व को होता है। कई सारी बीमारियाँ इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, जैसे अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ मेलाइटिस है या मायोपिया है या किसी पेशेंट ने स्टेरॉयड का यूज़ किया है, तो इस तरह के पेशेंट्स में ग्लॉकोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। खास करके जिन मरीजों के परिवारजनों को भी अगर ग्लॉकोमा है उनमें ये क्षमता ज़्यादा होती है कि ग्लॉकोमा उनके प्रोजिनी में या उनके फैमिली के मेंबर्स में डेवलप करे, तो उनको बहुत ज़रूरत होता है कि उनका अर्ली इवैल्यूएशन हो। सामान्य तौर से ये दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा होता है और दूसरा एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा होता है। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा जो होता है वो सिम्टोमैटिक होता है, जिसमें कि आँखों में दर्द होना या आँखों को उसके सामने रंगीन इंद्रधनुषी रंग का रंग दिखाई पड़ना या फिर एक दर्द वगैरह हो जाना, ये हो सकता है। लेकिन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा विच इज़ मोर कॉमन इज एक्चुअली द साइलेंट थीफ, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी रोशनी चली जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि 40 साल के बाद, और ख़ास करके वैसे मरीज जैसे जिनके कि परिवार में डायबिटीज़ है, मायोपिया है या फिर आपके परिवार में किसी को ग्लॉकोमा रहा है, तो वो अपना इवैल्यूएशन जरूर कराएं और अपने नेत्र विशेषज्ञ से जरूर ये सलाह लें और पूछें कि कहीं मुझे ग्लॉकोमा तो नहीं है, क्योंकि इसका जल्दी से जल्दी पहचाना ही जाना इसका सबसे आसान निराकरण होगा। लेट्स टॉक अबाउट अनदर पेशेंट जिसको कि मेरे एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने मेरे पास लाया, जिसके कि आँखों का दबाव थोड़ा बढ़ा हुआ था, 26-27 मिलीमीटर ऑफ एजी प्रेशर था, उम्र थी उनकी 40 साल, और जब हम लोगों ने उनका इवैल्यूएशन किया तो इवैल्यूएशन में हमें शक हुआ कि इस पेशेंट को ग्लॉकोमा हो सकता है। बाकी के फर्दर इवैल्यूएशंस पे जैसे कि हम्फ्री फील्ड एनालिसिस रिपोर्ट और ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी और कॉर्नियल थिकनिंग वगैरह की इवैल्यूएशन के पश्चात ये निर्णय हुआ कि इस तरह के मरीज को और इन्हें दवाइयों पे ले जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ही हैज़ गॉट अनदर 40 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसमें नुकसान उनका थोड़ा मोड़ा हुआ था, तो हमारी बहुत ज़रूरत थी कि ऐसे मरीजों को बहुत जल्दी पहचानें और इनको दवाइयों पे
अगर दवाइयों से काम नहीं चलता है तो लेज़र ट्रीटमेंट पे, और अगर लेज़र से भी नहीं काम चलता है तो ऑपरेशंस की तरफ ले जा करके पेशेंट्स को इनके आँखों के दबाव को कम करें या और सारी चीज़ें करें जिससे कि आँखों की रोशनी को और नस को होने वाले नुकसान को हम कम कर सकें। इस तरह के मरीजों में बहुत आवश्यक होता है कि इन्हें बताया जाए कि नियमित चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। कई बार मरीज एक बार दवाइयां लिए और उसके बाद घर जाने के बाद में फिर वो लौटते नहीं है, और जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है तब वो हमारे पास लौट करके आते हैं। तो ऐसे मरीजों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है कि दवाइयों को की ज़रूरत हो सकती है कि चेंज करना पड़े, और नियमित तौर पर इनका चेकअप बहुत ही मायने रखता है। विल टॉक ऑफ अ पर्सन हु केम टू अस वेरी लेट। बेसिकली वो कैजुअल अप्रोच के आदमी थे, कभी उन्होंने अपने आँखों की चेकअप नहीं कराई थी। At the age of 50 years, he came to us with a very advanced kind of glaucoma. और जब हम लोगों ने जांच किया तो जांच में पाया कि उनके दोनों आँखों के नसों को करीब 90% से ज़्यादा नुकसान हो चुका था। अब हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं ऐसे मरीजों को कि जिनमें कि बहुत एडवांस डैमेज हो चुका है, उनके वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग स्टाइल को भी हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये मरीज दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इनके आँखों के साइड की जो रोशनी होती है वो कई बार चली गई होती है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं दवाइयों के द्वारा या फिर लेज़र के द्वारा और या फिर ऑपरेशन के द्वारा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री वी कैन यूटिलाइज टू कंट्रोल द ग्लॉकोमा इन सच अ पेशेंट। और इस तरह के पेशेंट को तब भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और आने वाले इनकी जो लाइफ है 30-40 ईयर्स जो इनकी लाइफ स्पैन है उसमें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम पेशेंट को दे सकते हैं। ग्लॉकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसका एक अपना जीवन काल होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मरीजों को समय समय पे कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप कराया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप में ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनके आँखों का प्रेशर, उनके आँखों के पीछे जो नस है उसको प्रॉपरली डायग्नोस करना और उसे प्रॉपरली इवेलुएट करना होता है। जिन मरीजों को ग्लॉकोमा हो चुका होता है उन्हें ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्हें ग्लॉकोमा है, और ये कोई अलग ही तरह की बीमारी नहीं है। जैसे डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जैसे हाइपरटेंशन होता है, वैसे ही ये एक और बीमारी है जिसे हमें कंट्रोल करना है ताकि हमारा जीवन भर हमारी जो रोशनी है वो बरकरार रहे। इस तरह के बीमारी को एक बार हो जाने के बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं, दवाइयाँ हैं, लेज़र्स हैं, और लेज़र्स के अलावा ऑपरेशन भी है जिसके द्वारा आँखों के प्रेशर को हम कम कर सकते हैं और आँखों की रोशनी को बचा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मरीज जिनको कि ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं उन दवाओं का नियमित सेवन करें, अपने डॉक्टर से उनके बताए निर्देशानुसार समय समय पे अपना इवैल्यूएशन कराएं, क्योंकि उनके डॉक्टर ही जानते हैं कि इस तरह के मरीजों को कितने कितने दिनों पर बुलाना है और कितने कितने दिनों पर उसका इवैल्यूएशन करते रहना है, क्योंकि आपका डॉक्टर जानता है कि आपके रोशनी को कैसे बचाया जाए ताकि आप जीवन पर्यंत आपके रोशनी के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकें। कई बार होता है कि जैसे ही ग्लॉकोमा के पेशेंट को हम डायग्नोसिस बताते हैं कि आपको ग्लॉकोमा हो गया है तो उन्हें बहुत ही डिप्रेशन होता है, उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी रोशनी जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बहुत अच्छे से इसका इलाज करें, नियमित दवाओं का सेवन करें, नियमित इसका इवैल्यूएशन करवाते रहें तो आपकी रोशनी आपको जीवन भर साथ देगी। और ये निश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ हमेशा मिल करके अपने ट्रीटमेंट का प्रॉपर पालन करें। ग्लॉकोमा के मरीजों को बहुत आवश्यक होता है कि उनकी समय से पहचान हो। अगर पहचाना जाए सही समय पे तो उनकी आँखों की रोशनी बचाई जा सकती है। एक बार पहचान हो जाने पे मरीजों के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि वो अपने नियमित जाँच कराएँ, खास करके वैसे मरीज जिनों की डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या मायोपिया है। और इस नियमित जांच का मतलब होता है कि नियमित तौर पे दवाइयां चलाई जाएं, नियमित तौर पे अगर उन्हें ज़रूरत है तो लेज़र प्रोसीजर्स या फिर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के द्वारा उनके आँखों की रोशनी को बचाई जा सके। साथ ही ये ज़रूरी होता है कि ग्लॉकोमा मरीज अपनी दैनिक दिनचर्या जो है वो बहुत सामान्य तौर पर चलाएँ, कुछ चीज़ों से बचें जैसे कि अनुलोम विलोम, प्राणायाम बहुत विग्रस ना करें जिससे कि आँखों के प्रेशर बढ़े। लेकिन ये सबसे आवश्यक है कि आप मानें कि आप एक सामान्य मरीज हैं, आपको एक सामान्य तरह का लाइफ लीड करना है, और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह को मानें।
नियमित तौर पे दवाइयाँ इस्तेमाल करें, और एक बात और आवश्यक है कि आप अपने परिवार के परिवारजनों को, खास करके जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनका इवैल्यूएशन जरूर कराएं, क्योंकि हो सकता है उनमें से कई ऐसे भी पेशेंट होंगे जिन्हें हम अर्ली डिटेक्ट करें और उन्हें बचा सकें उनकी रोशनी को।